मेरा नाम कवलजीत सिंह ढींडसा ते मैनू बहुते जिहड़े मेरे क्लोज दोस्त ने वो विली कह के बुलाउंदे ने। मेरे दादा जी का दिता हुआ नाम है विली। सुनाम रहिंदे सीगे ते अजकल लहरेगा गई हाँ, इत्थे स्कूल चलाउंदा, अजीत लई पत्रकारी करदा। मेरे शौक ने कि समाज दे विच कुछ चेंजेस लैके आउणियां, समाज सेवा करनी, ट्रैवल करना, फोटोग्राफी करनी, तो सब तो वध कि बच्चों नाल टाइम बतीत करना। मैं सब तो वड्डा जिहड़ा सुकून है वो बच्चों नाल मिलता। साडे स्कूल का नाम सीबा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है। सीबा एब्रीवेशन है सोसायटी फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनैस इन बैकवर्ड एरिया। यूनिवर्सिटी के दिनों के जो असं आपस गल करते होंगे तो असं एक प्लेटफॉर्म बनाने बारे सोचते सी कि जिथे असी यूनिवर्सिटी निकल तो बाद इकट्ठे हो सकी, तो उदो फिर असी यह सोसायटी का नाम जे पी जतेंद्र प्रीत होर ने रख्या। तो असी ये जोड़े पहला ऑनरी मैंबर से 51 मैंबर से, जिसे उदों के आर्टिस्ट टीचर वक् वक् फील्डा के लोग जो अपने कंट्रीब्यूट करते सीगे। उस तो नाम रख उदों सिर्फ सोसायटी बनाई सी 97 दे विच दसंबर दे विच, बैठे बैठे एक आया कि इहो जिहा कोई वर्क करिए जिहड़ा तुहानूं अपने जिहड़े शौक वह भी पूरे हो जाण, तो तुसीं जो कुछ लाइफ दे विच सिख्या वह अगे तुसीं सिखा सको। तो 98 दे विच असीं इह स्कूल शुरू किया। स्कूल शुरू करन तो पहलां बहुत जिहड़े कंसैप्ट बारे सोचिया बच्चे लई की होना चाहिए है कि एक चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल होवे जिथे पेरेंट्स के मुताबिक नहीं, पैसे के मुताबिक नहीं, मेरे मुताबिक नहीं, एक बच्चे लिए की होना चाहिए वो साड़ी पहल होवे। फिर असी एरिया चूज करना सीगा, जिहो जिहा सोसायटी का नाम रख्या। फिर असी लहरेगा कि उस तो पहला मैं कदे आया नहीं सीगा, तो सुनाम रहिंदा सीगा, संगरूर पढ़िया सी, पटियाले पढ़िया सीगा, ते पर असी फिर इहनूं चैलेंज एक्सैप्ट करके लहरेगा के आए। इस ईवन कि सुनाम लहरे एरिए दे विच कोई भी CBSE स्कूल नहीं सीगा, ते कंसैप्टल स्कूल तो बिल्कुल किसी ने सोचा भी नहीं सीगा। जो ट्रडिशनल स्कूल सीगे कि रट्टे लवाने ने नंबर दवाने ने वो सी, ये नंबर वाला स्कूल नहीं है। ऐसे कैसे, ठीक है, स्टैंड अप, ऐसे ऐसे पैसे ऐसे ऐसे पैसे ऐसे 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 ऐसे। आप कि जिन्ना कुछ सीखा जिंदगी दे विच, मैं ट्रैवल करके सीखा, मैं एक्टिविटी करके सीखा, मैं स्पोर्ट्स दे विच सीखा, मैं हॉकी दे विच 2 साल डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन रहा, बॉक्सिंग दे विच मेरा यूनिवर्सिटी गोल्ड है, हैंडबाल दे विच मेरा यूनिवर्सिटी गोल्ड है, कॉलेज का बेस्ट लीडर रहा, NCC का सी सर्टिफिकेट है, NSS का सी सर्टिफिकेट है, भंगड़े दे विच मेरा ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी 2 वारी गोल्ड मैडल है, बिनू ढिल्लों हो रही, राणा रणबीर हो रही, सारे असी बैचमेट सीगे, कट्ठे भंगड़ा पाउंदे रहे हैं। तो भंगड़े दे करके स्पोर्ट्स दे करके 25 साल की उम्र दे विच बिना घरों पैसे लए मैं पूरा हिंदुस्तान घूम लिया। मैं 94 च लद्दाख भी जाया सीगा, असीं कन्याकुमारी भी जाए सीगे, सिक्किम का ट्रैक भी कर लिया सीगा, बॉम्बे फिल्म फैसटिवल दे विच भी परफॉर्मेंस दे ली सी। इंडिया दे जिहड़े मेन फोक मेले ने, चाहे वो रामपुर वाला है, चाहे वो दिल्ली वाला है, वो सारे असीं कवर कर ले सी, तो उत्थे बहुत कुछ सीखन नूं मिलिया। सो वो सारी चीज़ां दा मैनूं ये लगता सीगा कि जे मैं नौकरी के चक्कर च पै गया तो वो जो कुछ मेरा शौक ने जां मेरा सीखिया है वो एक सीमित मेरे परिवार तक रह जूगा। तो पढ़ाई पूरी करन तो बाद थोड़ा चिर लग्या कि नौकरी करनी चाहिए है, पर मेरा मन नहीं लग्या। तो फिर हालात इहो जिहे बन गए तो 97 दे विच मैं फैसला लिया, मेरे वो इहो जिहा टाइम सीगा कि मम्मी डैडी गुजर गए, तो फिर मैं अपनी जमीन वेची, घर वेचिया, जो प्लाट पए सी उह वेचे, जो गहना पिया सी उह सारा कुछ वेचता, तो सारा कुछ वेच के मैं ये स्कूल शुरू किया। तो उदों रिश्तेदार कहन लग गए कि ये डुबूगा है, पर यारां दोस्तों का हौसला बहुत सीगा, करमजीत अनमोल, भगवंत मान, ये सारे ने उदों बड़ी सपोर्ट की थी। करमजीत अनमोल तां
अक्सर वैन बह के अनाउंसमेंट भी करा सी कि एडमिशन वास्ते, तो हालांकि उदों तक वो 10-15 कैसटा आ चुकिया सी, पर फिर भी दोस्ती दोस्ती होंगी है। पहली गल तो जिहड़ा कंसैप्ट असीं लैके आए सीगे, लोग साडी गल सुणन वास्ते तैयार ही नहीं सीगे। पहले साल साडे कोल 51 बच्चे सी सिर्फ, दूसरे साल साडे कोल 110 बच्चे सी, तीसरे साल साडे कोल 180 बच्चे सी, चौथे साल साडे कोल जाके 240 बच्चे सी। लोगों को यह लगता कि स्कूल बच्चा भेज के असीं स्कूल दे उत्ते कोई सान कर रहे हैं, पर चौथे साल फिर लोगों को पता लगना शुरू हो गया। असीं थर्ड क्लास तक शुरू किया सीगा, जदों बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू होया, तो फिर जदों बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, जदों छोटे छोटे पॉइंट्स बच्चों का कि असीं जिन्ना सिलेबस सी वह कहानियां राही करवाउण लग गए, तो पंजाब का पहला एड्डा वड्डा समर कैंप जिहदे च उस टाइम दे विच 8 एक्टिविटी सी, अज साडे समर कैंप दे विच 18 एक्टिविटीज़ ने। तो उन्होंने दिनों में असीं 100 रुपया चार्ज करते होंगे, तो अज भी 250 करते हैं। 10 दिनों का 250 रुपये के 18 एक्टिविटीज़ असी आर्ट दियाँ डिफरेंट जो फॉर्म ने वो असी बच्चों करवाने, तो वो चीज़ा ने लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करना शुरू करता। उस तो बाद फिर पिछे मुड़ के नहीं देखा, फिर हर साल क्लास वधदी गई, हर साल स्ट्रेंथ वधदी गई, तो साढ़े को जरा उदो स्टाफ सीगा, केरला का स्टाफ सीगा, हिमाचल का स्टाफ से, उड़ीसा का स्टाफ सीगा, तो साडा जरा पूरा टारगेट सीगा वो बच्चे की कल्ली पेपर वाली परफॉर्मेंस नहीं, उसकी पूरी शख्सियत नूं तुसीं किवें निखार सकदे हो, किवें कंट्रीब्यूट कर सकदे हो। उहदे विच वो एक्टिविटीज़ ने कि सानूं पेरेंट्स नूं इन्ना हौसला दिता कि जिहड़े साडे बच्चे जदों वी किते जाके बाहर खड़दे सीगे तां उहनां दे इक अलग उहनां दी जिहड़ी परसनैलिटी सी उह काउंट करदी सी। उहनां दिनां दे विच ही स्टेट लेवल दे साइंस एग्जीबिशन दे विच साडी फस्ट पोजिशन आई, तो पहले 4 सालां दी असीं जोधपुर, बंबई तो होर थावे टूर ला के आए बच्चों, तो वो फिर लोगों को लगन लगा कि ये डिफरेंट चीज़ है। तो उदों विरोध कि दूसरे जिहड़े इंस्टीट्यूशन सीगे जिहड़े एक सीमित सी अपने ट्रडिशन वे दे नाल कि हैंड राइटिंग वधी करनी है, बच्चों के नंबर ही आने ने, नंबर ही आने ने, नंबर ही आने ने, उन्होंने शुरू शुरू बहुत लिखा कि यदि ड्रामे नहीं पढ़ाई चाहिए तो हमारे पास आइए। तो साडा ये सीगा कि असीं पढ़ाउंदे ड्रामे नाल सी, कि सानूं ये सी कि साडा मेन ये सीगा कि जिहड़ा बचपन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किसी भी बंदे का जो सब तो प्यारा टाइम होंगे वह बचपन होंगे, बचपन दी असीं शरारतां नहीं भुलदे। बच जे असीं बचपन नूं मार के किसी नूं डॉक्टर इंजीनियर बना दिंदे आ तां वह सारी उम्र सुखी नहीं हो सकता। पैसा बहुत कमा सकता है, रुतबा कमा सकता है, पर उहदे जिहड़े उहदा व्यवहार है जां उहदे अंदर संतुष्टी है, क्योंकि जिहड़ा बचपन है उहदे च थोड़ा भोलापन हुंदा, थोड़ा शरारतां करन जी करदा, थोड़ा भज्जन नूं जी करदा है, हैं ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾ ਕਿ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਬੰਗਲੌਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੌਂਡੇਚੇਰੀ ਔਰੋਵਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਮਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੀਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੀਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ 18-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦਾ, ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਹੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ
तो बच्चा खेडता है, वह कोई क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है, तुम सीधा उन्होंने कमरे के वाड़ता, उन्होंने लगता मैं जेल होगी है। तो कि असं कहना कि बच्चा अपनी मर्जी नाल स्कूल जाए, चाहे वह एक महीना ना जाए, कि वी डोंट फोर्स, किसी फोर्स नहीं करते बच्चे कि वह क्लास के पहले दिन आए, क्योंकि अजक एक कंसैप्ट बन गया कि तुम बच्चे चाहते हो कि वह रिमोट ना चलता हो, जो मैं रिमोट दबा खड़ा हो जाए, रिमोट दबा बैठ जाए, घर गैसट आया आके सत श्रीकाल बुलावे, जिन सामने बिस्कुट पे ने उन्ना चर वह बिस्कुट ना चके, जिन्ना चर मम्मी नहीं कहती, नहीं तो बहुत नोटी है जी, बहुत वह है। तो ये चीज़ा उत्थे जे तुम ये चीज़ा एक्सपैक्ट करते हो कि सियाने वगू बिहेव करे, तो तुम वह बचपन किल कर रहे हो। बच्चे ने तो जे उन्हें चीज़ वधिया लग रही है तो उन्होंने चक के खानी चाहिए है, मेरी तो यही सोच है। फिर वो दूसरा है कि जेडे गैसट भी जो घर आते हैं तो बच्चा सब तो वड्डा टारगेट होंगे, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अच्छा टेबल आते हैं है, तो बच्चा कह रहा है कि मैंने मिलना आए हैं या मेरा इम्तिहान लैन आए हैं, कि पहला स्कूल ने खेड़ा नहीं छड़िया हूँ, तुम आके कि फ्रूट नेम सुना दो, थोड़ा वड्डा हो गया, अच्छा आपके सिलेबस में ये है, आप कदे नहीं पूछते कि तेरे को खिडौने की ने, तेरी गेम केड़ी है, तेनों गाना कोई आंदा है, तेनों डांस आंदा है, लाइफ कल्ली स्टडी नहीं हैगी, सीखना तो जो स्कूल नहीं सी बंदा उदों भी सीखता सी, सीख सीख के ये स्कूल बनाने के काबिल भी तो आप ही समाज होया ना, कि पहला वो सारा दौर चो निकले आप, जो वो लर्निंग सी तो वो लर्निंग हूँ क्यों नहीं हो सकती। मैं आप बहुत ट्रेनिंग लिया ने, इंटरनेशनल सैमीनार अटेंड किए ने इंडिया, चाहे बॉम्बे आई आई टी हो, चाहे वह केरला के सैमीनार है, चाहे कित भी देहरादून सैमीनार है, दिल्ली है, तो मैं उत्थे आप भी जाना, तो मैं अपने टीचर भी लेके जाना। फिर जो कुछ साड़ी लर्निंग है वो फिर साढ़े हर महीने टीचर का सैशन लगता है, जोड़े पुराने हो गए वो नवे का लिया ने, तो चान बुक है, एक जापान की कहानी है, वह पंजाबी दे हिंदी में ट्रांसलेशन मिल जाती है वो, तो वो किताब मैं 600 किताब लेके आया से, मेरे को जो टीचर आता उन्होंने पहले किताब पढ़ना जरूरी है, वो मैं जो गल्ला कर रहा मेरे यहाँ तो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा रल दिया ने, वो जो एक बच्चे की कहानी है, उन्हें अपने बचपन की लिखी है कि मेरे टीचर ने मैं किमें पढ़ाया, मैंने चार स्कूलों ने कढ़ता सीगा, पंजवें टीचर ने मैं अक्सैप्ट कर लिया, तो वो एक चीज़ है कि तुम बच्चों की मानसिकता समझते मैं कि हूँ इन्ने साल हो गए, 23-24 साल हो गए, तो बच्चों देख के मैंने फेस तो पता लग जाता कि ये बच्चे का अच्छ घर प्रॉब्लम है, मैं बच्चे बुला के कि सारे सामने एक साइड से करके पूछ लेना, तो बच्चे दस देंगे कर दी, जे कोई फाइनैशियल प्रॉब्लम है तो भी दस देंगे ने, जे उन्होंने कोई मम्मी डैडी कोई रिलेशन की प्रॉब्लम है तो भी दस देंगे ने, हैं बच्चा का कोई इनफीरियर कंपलैक्स है वह भी दस देंगे ने, तो वो जी शेयरिंग है जो तुम उन्होंने मैंटर बन के काम करते हो वो बहुत तसली दिता। फिर असं किया हो कि हरेक बच्चे लिए स्पोर्ट्स करनी जरूरी है, हरेक बच्चे का गेम पीरियड जरूरी है, ब्रेक का टाइम लंबा होना चाहिए स्कूल दे विच, कि मोस्टली क्योंकि 15 मिनट तुम खाने वास्ते दते बाहर फ्रैश होए तो फिर क्लासा शुरू, 35 मिनट दें कि 5-7 मिनट के खाना खाधा, उस तो बाद बच्चा कि कोई बच्चा बैठा नहीं होना चाहिए कि तुरद फिरते खेडते कोई फड़न फड़ाई खेडता कोई कुछ कर रहा है, तो वो एक उन्होंने इंजॉय का टाइम है। दूसरा है कि हरेक बच्चे लिए स्टेज पर जाना जरूरी है, वो कोई भी जो परफॉर्मिंग है चाहे वह लैक्चर दे, चाहे वह डांस करे, चाहे वह म्यूजिक करे, चाहे वह थिएटर करे, पर वो स्टेज परफॉर्मेंस करेगा तो वो किनिया जिहड़ियां परतां ने खुलतियां ने बच्चे दियां, ये तो है वो आउटडोर, जो इनडोर पढ़ाउंदा साडा उहदे च जो पढ़ाउण दे तरीके ने वो प्रैक्टिकल लैबोरेटरी वाले प्रैक्टिकल नहीं जां कापियां वाले नहीं, जिहड़ा भी उहदा सिलेबस का पार्ट है उहनूं उह किसी ना किसी जिंदगी दे निजी रूप दे विच जोड़ के पढ़ाउंदे ने, जिवें असीं कार लैके आउंदे आ एक किसी कबाड़िए तो 25-30 हज़ार की कार लैंदी, तो उन्होंने कह दें कि बाद वापस करांगे तेनों खोल के करांगे, उन्हें भी तोड़नी हुंदी है वैसे, तो वह तोड़ते उन्होंने साढ़े बच्चे ने साढ़े को पूरे चाबियां आपां ने लैके वो सारी कार का पुरजा कर देंगे, पुरजा करके फिर मकैनिक आउंदा फिर वो वर्किंग दसदा कि इहदा इंजन किवें वर्क करदा पिस्टन की हुंदा गेयर दियां करारियां किवें ने स्पीड किवें वधदी है छोटे गेयर च हौली किवें चलदी है क्लच इंजन दा ते गेयर दा कनैक्शन किवें तोड़दा है ब्रेकिंग सिस्टम की है उहदा जिहड़ा प्रैशर है कि तुसीं थोड़ा पैडल लभदे हो ब्रेकां तक किवें पहुँचदा है जिवें नवें नवें चीज़ां जिवें
कि पुराने जिहड़े ब्रेक ने वो पैड वाले ब्रेक ने हुण नवें डिस्कां वाले आ गए उहदे च की फर्क है ABS की है हैं जो जो भी नवे कंसैप्ट आउंदे ने उह फिर मकैनिक उहनां नूं बच्चे जदों कार पूरी इंजन खुल्लिया होया देखदे ने गेयर खुल्लिया होया देखदे ने अपने हत्थां नाल खोलदे ने कपड़े गंदे हो जांदे ने असीं पेरेंट्स नूं एडमिशन वेले कह दिंदे आ कि साडे स्कूल दे विच बच्चे पढ़नगे तां थोड़ा जिहड़ा साबण दा खर्चा वध जूगा है क्योंकि बच्चे खेडणगे तां कपड़े भी गंदे होणगे बच्चे एक्टिविटी करनगे कपड़े गंदे होणगे ते उह जिवें कहिंदे ने कि दाग अच्छे है तो साडे वाले दाग थोड़े अच्छे ने। साडा गर्मियां दी छुट्टियां दे विच कोई भी सिलेबस का कम नहीं हुंदा सिंगल भी किसी भी सब्जेक्ट का साडे कम किहो जिहे हुंदे ने कि तुसीं अपना फैमिली ट्री बना के रखे होना जिहदे च 150 रिश्तेदारां दे नाम होण हुण रिश्ते तां 15 दे जाके मुक जांदे ने एक मासी एक मामा एक भूआ ते एक चाचा ते दादा दादी नाना नानी इत्थे जाके मुक जांदे असीं फिर कहिंदे कि अपने मम्मी दी भूआ नूं लभो उहनां दे फैमिली दा नाम लिखो सारा उहनां दा एड्रैस लिखो है डैडी दी मासी लिखो है तां उह किन्ने अगे दादी दे जिहड़े पेके ने उहनां बारे लिखो तां उह किन्ना बच्चे दा उहनां सारिआं नूं फिर नाम ऐ नहीं हैगा कि टिंकू लिखणा तुसीं उहदा पूरा नाम रविंदर सिंह लिखोगे है फिर उह बच्चे दा किन्ना कम्यूनीकेशन स्किल है उहदे स्पैलिंग उहदे होर पिंडां दे नाम उहदे जादे ने। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਪਰ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪ 5 ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10th ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ MBBS ਕਰਕੇ ਜਾਂ IIT ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਐਰੋਬਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ CBSE ਦੇ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਇੰਦੌਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਗਨ ਐਰੋਬਿਕਸ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੇਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੇਟਿੰਗ ਉਹ ਗੇਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ ਹਾਂ ਖੋ ਖੋ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਈ ਹੈ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਡਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ 18 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 450 ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ 18 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਖੋ ਖੋ ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਐਰੋਬਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕਿਉਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਮਾਈ ਵਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਵਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਮੈਂ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਡ ਗੇਮ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ
हैं। 4 बजे तो बाद मेरी लाइफ शुरू होती है, हैं। ये पड़ाव खत्म होया, फिर दोस्तों का पड़ाव शुरू हो गया, किसी मिलन जाना है, कितने ट्रैवल कर जाना है, फिल्म देखने जाना है, कोई होर कितने भी जाना है, तो वह शुरू हो जाता है। तो वो जो तुम अपने आप को बन लें किसी खास उस दे नाल, फिर तुम अपने दुआले एक घेरा जहा बना लेने, एक फ्रेम के फिट हो जाने। मैं तो फ्रेम ही अपने मुताबिक बना लेना। देखो अज का जो दौर है नौजवानों के बहुत सारी निराशा, नशे तो हिंसा, इन चीज़ों तो जरा बचन का एको ही चीज़ है कि तुम अपने रुझेवे बधाओ पॉजिटिव तरीके। जिमें टूर तो जाने तो उत्थे साढ़े असी गाने चूज करते हैं, वो कंसिडर करते हैं कि बच्चे वो म्यूजिक भी सुना है जो नहीं सुन रहे, जो कोक स्टूडियो टाइप है, जो सा फोक है, तो बच्चे क्योंकि उस तो पहले जो टीवी पर परोसा जा रहा वो देख रहा, वो जोड़े भी कोई बंदूकों वाले गाने ने जा एक मुकाबले वाले गाने ने कि जिनी तेरे को घर है उन्होंने मेरा मोटर वाला कोठा है, इस टाइप का जरा ये कंपैरिजन ये बच्चों के माइंड के बहुत बुरी तरीके असर कर रहा। जरा पंजाबी संगीत पंजाबी बहुत फेमस हो रहा पर पंजाबियों बहुत नुकसान है कि असं उन्होंने फॉलोअर बनते जा रहे हैं। हुण अल्टरनेटिव की है कि तुम बच्चों पॉजिटिव साइड भी दिखाने शुरू करो, चाहे वह म्यूजिक की है, उन्होंने इनवॉल्व करो, उन्होंने लोग साजा नाल लैके जाओ, उदी पेंटिंग का स्किल डिवेलप करो, वह किताबा पढ़ने का करो, ईवन कि सोशल मीडिया के उत्ते तुम असी बच्चों आप दसते हैं कि तुम फलानी साइड तो फलानी चीज़ लभ के लियाओ, लभ के लिया वास्ते कहने आप नहीं दसते अभी, तो बच्चे भी पता लगेगा कि मैं इस इंटरनेट का पॉजिटिव यूज़ किवें कर सकता। अज इसका जो मेरे लिए सब तो वड्डी चिंता का वह है कि बच्चे अपनी जिंदगी दे विच रंग किवें भर के रखन, जो रंग मिस हो गए ना फिर वो रंगा की पूर्ति नशे राही करनगे, हिंसा राही करनगे, या आप हुदरेपन ना करनगे, क्योंकि उन्होंने कोई थ्रिल करन दा नहीं मिलता। जे वो ग्राउंड दे विच जोर ला रहा तो वो जे वो म्यूजिक दे विच डुब्या होया किसी साज नूं वजा रहा है, जां किसी नूं गाउन की प्रैक्टिस कर रहा है, जे वो थिएटर कर रहा है, जां वो साइंस मॉडल बना रहा है तो उहदी सर्च कर रहा, तो ये सारिया चीज़ा बच्चे नूं इनवॉल्व करदियां ने। तो पेरेंट्स कोल ये सोचते हैं कि बच्चा भेजता बस मेरा बच्चा पढ़ लिख के नंबर लैके अफसर बन जाए, बस साडा ये है कि बच्चा पहला बंदा बने, बंदा बनना जरूरी है। प्रोफेशन जिहड़े मर्जी चले जाए, अज तां दौड़ है सारे बाहर जाने की, जिथे भी मर्जी रहे उत्थे भी बंदा बनूगा तो कम आऊगा, चाहे वह डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चाहे वह कोई छोटा काम करे वड्डा काम करे। जिवें किरत करनी साडे स्कूल दे बच्चों नूं इट्टां चकनी जरूरी ने, ग्राउंड साफ करना भी जरूरी है। साडे NSS दे वर्कर के शहर दे विच जाके सारा पुल साफ किया उन्होंने। एक साढ़े 150 वलंटियर है जिन्होंने अपने अपने महल साफ किए हुए हैं, तो उन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर लाया हुआ कि मैं अपने शहर नूं ते अपने महल्ले नूं साफ रखना चाहुंदा, तुसीं रखना चाहुंदे हो। बच्चों से इन्नी एनर्जी है ना, इन्नी एनर्जी है कि थक नहीं सकते, बच्चे थकते नहीं, जो थकते नहीं सौ जाते हैं। अजकल बच्चों थकाने वास्ते है नहीं कुछ, अक जाते हैं वो मोबाइल देख के अक जाएंगे, है पर जो किसी चीज़ में उन्होंने लगेगा कि उन्होंने अंदर एक सैल्फ सैटिस्फेक्शन आऊगी मैं आह काम किया, तो फील प्राइड ऑफ इट कि मैं मेरे शहर का जरा पुल साफ किया, मैं अपने हाथी मिट्टी चक्की इतों, मैं इतना झाड़ू लाया, तो दे फील समथिंग स्पैशल कि मैं कुछ कर रहा। उन्होंने एनर्जी चैनलाइज करने की लड़ है। देखो ये होंगे कि मैं उदू भी अपने दोस्तों को कहता हूँ कि जे तो हो गए कामयाब, फिर तो जो मेरा तोरा फिर है ये सारा मेरी मेहनत तब्दील हो जूगा, है जे फेल हो गए यही तोरा फेरा सारा आवारा कर दी जाऊगा। फिर कि देखो जरा कोई भी इंसान है किसी भी कला, मैं अपने तो नहीं कह रहा, कोई भी बंदा जोड़ा अपने काम में लग्या रहा ना वो सक्सैस समाज के लिए होवे ना होवे पर वो अपने वास्ते सक्सैस हो जाता है। सक्सैस का मतलब ये नहीं होंगे कि तुम लीड कर रहे हो, तुम जिंदगी किहड़े असूलों जीने हो, तुहाड़ी सोच किन्नी है कि ये यह नहीं कि मैं बच्चे सिखा रहा, मैं ये 23 सालों के आप भी सीख रहा, मेरे लिए हर दिन नवा हों, मैं कई बार कि चैलेंज भी होंगे कि मैं सवेरे पता नहीं होंगे कि अच्छ मेरे को कंप्लेट होनी है, हैं घर बच्चे ने रिश्तेदारों नमस्कार नहीं की तभी मेरे को
है बच्चे की हैंडराइटिंग नहीं हैगी जी, वैन लेट होगी जी, बच्चे ने जो फलाने बच्चे ए कहता सीगा जी, टीचर ने फलाने शब्द ए उच्चारण किया सीगा, है तो वह सारा कुछ होना। तो मैं उन्होंने खिड़े मत्थे स्वीकार करदा, मैं उन्होंने इंजॉय करदा कि वो मेरे तो ये आस रखते हैं कि मैं इन्ने परफेक्शन वाल जावा कि इस सारे कुछ चीज़ें ना हो, पर कदम खत्म नहीं हो सकती, इट्स ए एंडलैस जॉब। तो उ फिर ऐश करी दी है।